आज हमारे साथ वो हीरोइन है जिन्हें बहुत लोगों का दिल चाहता है, और मैंने भी जब दिल चाहता है देखी थी तो उस वक्त सोचा नहीं था कभी कि ऐसा मौका आएगा कि सोनाली कुलकर्णी का इंटरव्यू जो है हम बैठ के करेंगे। तो सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। अच्छा, आज दिल चाहता है कि बात तो खैर बाद में करेंगे, क्योंकि आज हम जिसके लिए मिले हैं वो है आपकी वेब सीरीज विसल ब्लोअर। ट्रेलर देखकर लगता है एक गंभीर मुद्दे को जो है ये वेब सीरीज उठा रही है, तो पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कहानी रहेगी और क्या आपका किरदार होगा इसमें, किस तरह से चीजों को उठाया जाएगा। तो शुरुआत में मेरे कैरेक्टर से करती हूँ और मैं आपको शो भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं तुम्हारा रोल प्ले कर रही हूँ संदीप। मैं एक न्यूज चैनल एडिटर हूँ, मेरा नाम है जैनब पार्कर शो में, और जैनब एक ऐसी जर्नलिस्ट है जिसके खुद के एस्पिरेशंस हैं, जो खुद कुछ अपने उसूल पे चलती है, आइडियलिस्टिक नहीं है, लेकिन जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में अगर कोई हमें आशा देने वाला कैरेक्टर हो सकता है तो वो जैनब है, कि सारे के सारे जर्नलिस्ट दुनिया में फ्रॉड नहीं होते। देर आर पीपल हु ऑल्सो सीक ट्रूथ, देर आर जर्नलिस्ट हु ऑल्सो फाइट फॉर जस्टिस। जैनब इज वन ऑफ देम। शी हैज हर ओन टीम, शी हैज हर ओन स्टैंड्स क्लियर। She is one of those journalists who doesn't fear bonding. ऐसा नहीं है कि वो खुद के प्रोग्रेस के लिए लोगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और आगे जा रही है। In her journey comes Dr. Sanket, where Dr. Sanket is going to take us through variety of incidences. जो हमारे आसपास हम देखते आ रहे हैं। विसल ब्लोअर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच वी हैव सीन बिफोर। हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता है हमारे सराउंडिंग्स में, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है। इट इज नॉट अबाउट वन सिंगल अनजस्टफुल इंसिडेंट, बट इट इज अबाउट अ चेन ऑफ हैपनिंग्स व्हिच अलार्म, व्हिच टेल अस दैट अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट, इट विल नॉट स्टॉप, it will continue forever. So this is an appeal to the audience which we are trying to say in the show, that wake up and act. It is not about being revolutionary. You don't have to go on a march or keep shouting slogans. It is about acting, it is about making correct decisions. So whistleblower is all about variety of professions which interconnect and which are our life. अच्छा, हमने देखा कि इस मुद्दे पे ऐसा नहीं है, पहले फिल्में भी बनी, थ्री इडियट्स, और कई अच्छी फिल्में भी बनी हैं। तो इस मुद्दे को हमने छिछोरे फिल्म में देखा, नेशनल अवार्ड एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा, तो किस तरह से whistleblower अलग होगी? बिकॉज आप जब इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है तो जाहिर तौर पे कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमेशा दिमाग में आती हैं, तो कितना अलग होगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है जहां ये वेब सीरीज आ रही है सोनी लिव, उनकी इमेज अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बन गई है जहां से आप एक अच्छा कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि जैसे होता है, कहते हैं OTT पे कूड़ा परोसा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनी लिव ने अपने आप को इस तरीके से मार्केट किया है, और जो इनकी वेब सीरीज का जो रिपोर्ट कार्ड गए पिछले दिनों का वो अच्छा रहा है, तो उम्मीदें ज्यादा हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन इसे देख के मुझे लगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट तो देखा, तो अलग कैसे होगा? मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो फिल्में मेंशन की, वो अच्छी फिल्में हैं, और जी, मुझे लगता है कि ये हमारा खुद का इम्प्रेशन हो सकता है कि क्या हमारे मेमोरी में आता है, वी कांट कंट्रोल दैट, लेकिन बहुत अच्छा कुछ आया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है।
मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म से कंपैरिजन नहीं होगी, और जो डर हमारे मन में रहता है कि ओटीटी का कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है प्रोजेक्ट को तो कुछ भी लिख के कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स करके पेपर भेज दिया है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि राइटर्स बड़े अच्छे हैं और सबसे अच्छा है हमारा डायरेक्टर मनोज पिल्लई। मनोज ने मुझे कहानी सुनाई थी और कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि इस कहानी में ये किरदार मुझे जरूर निभाना है, क्योंकि डायरेक्टर को जिस 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 सेंसिटिविटी से मैं डायरेक्टर को देख रही थी, जिस गहराई से वो बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे निर्देशक हमारे साथ होना बहुत जरूरी है जो विषय को समझे, जिनको ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करना था, जिनको कहानी बतानी थी कि भैया ऐसे होता है। तो आप देख लो, आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आपको खुद को हवाले करना है नियति के, आपके पास चॉइस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि विसल ब्लोअर में राइटर्स और डायरेक्टर्स और मेकर्स ने ये स्टैंड लिया है लोगों को बताने का कि आप हेल्पलेस नहीं हो, आप अपने आप के लिए खड़े हो सकते हो, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी मुद्दे और कॉन्ट्रोवर्सीज, आप अपने सच के साथ खड़े हो सकते हो और ये आपका हक है। बहुत कम बार ऐसे विषय हमें देखने मिलते हैं जहाँ पे वी सीक द ट्रूथ, वी सीक हैप्पीनेस, और ये भी बताया जाता है कि लाइफ सिंपल है क्योंकि वो आपके हाथ में, डोरियां आपके हाथ में है, आप उसे छोड़ो मत। लोग मांगेंगे, लोग कहेंगे कि आपको हम इतना पैसा देते हैं, आपको हम ये अवार्ड देते हैं, तो क्या वो डोरी, क्या वो रस्सी आप दूसरे के हाथ में तो दे दोगे? मत दीजिए, ये आपका हक है आपकी मुट्ठी में। सो विसल ब्लोअर इज डेफिनेटली यू नो ग्रिपिंग दैट ट्रूथ इन योर लाइफ। अच्छा, आप जर्नलिस्ट बनी है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो इस वेब सीरीज में आपने किया है, और आपने शो भी होस्ट किया, आपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में मुझे बताया हमारे ही चैनल के लिए, और आप एडिटर भी रही हैं एक अखबार के कॉलम को आपने जो है वो, तो जो ये एक्सपीरियंस था जर्नलिज्म वाला एक्सपीरियंस, हालांकि ये काफी पहले का था, उसके बाद आप फिल्मों में बहुत आगे बढ़ गई, तो ये एक्सपीरियंस कहीं काम आया या फिर किसी जो मौजूदा दौर के जर्नलिस्ट दोस्त हैं या आसपास के हैं उनसे कुछ कहीं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली या क्या किया? नहीं अमित, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं काम आया, तुम्हारे जैसे कितने सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने मेरे करियर को निखारा है। इन द सेंस, अगर आप नहीं होते, आपने मेरे अचीवमेंट्स के बारे में रिपोर्ट नहीं किया होता, मैंने कुछ 100 फिल्में की हैं, ओवर 100 आई थिंक, अलग अलग भाषाओं में काम किया है, रीजनल फिल्में की, हिंदी फिल्में की, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की, थिएटर किया, एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, काफी कुछ काम किया है आज तक, लिखा भी है जैसे अभी तुमने मेंशन किया, लेकिन ये अगर समय समय पे किसी ने लोगों को नहीं बताया होता तो मेरे काम करने को मतलब नहीं मिलता। मुझे जिंदगी में इतने सारे मौके मिले हैं अलग अलग टेलीविजन चैनल्स में जाने के, न्यूज़पेपर ऑफिस के, न्यूज़पेपर्स के ऑफिस में जाने के, एडिटर्स, रिपोर्टर्स, न्यूकमर्स को मिलने के, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिनको मैं उनके नौकरी के पहले दिन मिली हूँ, जिनको जिनका पेरेज मैंने उनके साथ सेलिब्रेट किया है, जिनकी शादियों में मैं गई हूँ, जिनके दुख मैंने बांटे हैं। ऐसे कई दोस्त थे जिनको नौकरी से निकाला गया और उन्होंने मुझे फोन किया था कि पता है कितना एडजस्टमेंट लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि ये सारा न्यूज का जो ब्रांच है वो मेरी सिस्टर कंसर्न है, वो मेरा ही एक ब्रांच है मेरी मीडिया का, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, और मेरा परफॉर्मेंस जो है विसल ब्लोअर का, ये मेरे सारे फ्रेटर्निटी को, आपके फ्रेटर्निटी को ट्रिब्यूट है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं पैम्पर्ड हूँ क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, मेरे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, मेरे इंटरव्यूज छपते हैं, दिखते हैं,
तो मुझे सराहना मिलती है, आप लोगों को सराहना नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने प्रॉब्ली घूस ले ली और पूरा प्रोफेशन ही बदनाम हो गया। तो मुझे लगता है प्रोफेशन को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, हर इंडस्ट्री में ऐसे पत्थर दिल लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन प्रोफेशन गलत नहीं होता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सालों से मैं मिलती आ रही हूँ आप सबको और आपको ही पोर्ट्रेट करने का मौका मिला, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। आई रियली होप कल से हम ऑन एयर जा रहे हैं और सारे 9 एपिसोड लोगों के सामने आ रहे हैं। आई रियली होप दैट इट इज सीन, इट इज अप्रिशिएटेड। अच्छा, आपने बताया आपने 100 से ज्यादा करीब फिल्में की हैं, 5-6 भाषाओं में फिल्में की हैं, तो सिनेमा में खूब काम किया आपने, सिनेमा और ओटीटी में क्या फर्क लगा आपको, कि मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों के, हर हर प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आपको क्या लगा कि मतलब ओटीटी का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? विसल ब्लोअर के बाद मैं 2-3 और ओटीटी शोज कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 फिल्में हम एक साथ बनाते हैं, ये ट्रायोलॉजी है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी भी किरदार के साथ आप थोड़ा ज्यादा वक्त बिता सकते हो, पूरी टीम के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हो, क्योंकि फिल्मों में 1 या 2 शेड्यूल्स होते हैं, आजकल स्मार्ट प्लानिंग होती है, तो यू आर डन यू नो इन वन गो। तो मुझे लगता है अच्छा राइटर्स के लिए ओटीटी इज अ बून, क्योंकि राइटर्स को लिमिटेशन नहीं है कि आप बस इतने समय में कंप्लीट कर दो आपको जो भी कहना है। तो राइटर्स को कितनी बारी सीन्स काटने पड़ते हैं, शूट होने के बाद भी डायरेक्टर्स वो सीन नहीं रख पाते हैं क्योंकि ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। तो ओटीटी में फायदा ये है कि आप किसी भी विषय को अच्छे से फैलने देते हैं और आपके पास तकरार करने के लिए मौका कम रहता है, क्योंकि आप जस्टिस दे पाते हो। और मुझे अच्छा एक्टर्स के लिए भी लगता है, क्योंकि ओटीटी में हर उम्र के, हर रंग के, हर साइज के एक्टर्स चाहिए होते हैं। तो एक्टर्स पे अब किसी भी तरीके के दिखने का प्रेशर नहीं है, वो इंसान हो सकते हैं, उनके फीचर्स, उनका दिखना, वो पर्टिकुलर टाइप का नहीं चाहिए होता है। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक को ओटीटी पे काम मिलेगा। अच्छा, अब क्योंकि आपने जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले भी किया है और आप जर्नलिस्ट रही भी हैं, तो आपको इंटरव्यूज के दौरान आपको पता ही होगा अभी थोड़ी देर में पीछे से आवाज आ जाएगी, भाई लास्ट क्वेश्चन या लास्ट 2 क्वेश्चन। तो मैं क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे, मैं वो मौका, एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी फिल्में हम बहुत सालों से देख रहे हैं और दिल चाहता है, मेरी क्या, तमाम लोगों की बहुत फेवरेट फिल्म, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, मतलब अगर मैं उनमें से मैं अपनी बेस्ट बताऊं तो दिल चाहता है, मैं आपकी जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहूंगा इन ब्रीफ, जो आप बताना चाहें कि किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे आपने सोचा कि एक्ट्रेस बनना है और फिर आप आए। पंडित सत्यदेव दुबे जी का नाम लिए बिना मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं उनकी शिष्या रही हूँ और दुबे जी के साथ, दुबे जी एक बहुत अच्छे लेखक, निर्देशक और मुझे लगता है टीचर थे, अब हमारे बीच नहीं है दुबे जी, लेकिन उनके साथ मैंने 20 से भी ज्यादा साल काम किया और मेरे काफी सारे इंटरेस्ट थे, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती थी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी और दुबे जी के थिएटर वर्कशॉप में, मैं पूना से हूँ, अब मुंबई में सेटल्ड हूँ लेकिन पूना से हूँ, और तब काफी सारे सपने थे और पता नहीं चल रहा था कि क्या अच्छा लगता है मुझे, लेकिन दुबे जी के वर्कशॉप में मुझे लगा कि मेरी अबिलिटीज काफी सारी हैं, लेकिन आई लाइक टेलिंग स्टोरीज, आई लाइक टू एंटरटेन पीपल और एक्टिंग मेरी पैशन है, ये मुझे तब समझा था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी हॉबी को, मेरी पैशन को मैं मेरा प्रोफेशन बना पाई। गिरीश कर्नाड जी के साथ मैंने मेरी पहली फिल्म की थी, चेलुवी नाम था उस फिल्म का, हिंदी फीचर फिल्म थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म। और उसके बाद
मुझे लगता है मैंने खुद को 2 साल दिए थे क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा था कि मैं कोशिश करूंगी, अगर काम नहीं मिलता है तो शायद मैं टीचर बनूंगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करूंगी। लेकिन आज वो सारे जो सपने थे वो मैं फिल्मों में पूरा कर पा रही हूँ, मैं हर एक वो किरदार कर पा रही हूँ जो मुझे एक्चुअल लाइफ में बनना था। तो इट्स बीन अ लवली जर्नी एंड आई कैन से इट प्राउडली कि मैंने एक ऐसी राह चुनी थी जो थोड़ी सी अलग थी, जो एक टिपिकल सक्सेस के शिखर पे नहीं जा पाई, लेकिन मैं एक ऐसा रूट मेरे लिए चुन पाई हूँ कि मैं थिएटर भी कर पाई, मैंने फिल्में भी की, मैं जिस एज ग्रुप में हूँ अभी भी मैं काफी काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली भी लीड कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द फेलो एक्टर्स कि डोंट बिलीव इन सैक्रिफाइसेस। ऐसा नहीं होता कि जब तक आप काम कर रहे हो आपको फैमिली को निग्लेक्ट करना पड़ता है, और एक ऐसा टाइम आता है आप रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद आप फैमिली बना पाते हो, ऐसा नहीं होता। आई एम अ प्राउड एग्जाम्पल ऑफ ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल, यू आर अ प्राउड एग्जाम्पल, और उम्मीद हम यही करेंगे कि विसल ब्लोअर से भी आप एक नया एग्जाम्पल सेट करें, कम से कम जर्नलिस्ट को लेके, जो एक कई बार कुछ लोग एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल अक्सर जो अक्सर हम देखते हैं ना, क्या कि जब बात आती है ना तो वो एक चिल्लाने वाली लोग जब मिमिक करते हैं तो उसको एकदम कि मतलब कि नॉर्मली पोर्ट्रेयल ऐसा होता है कि जस्ट शाउट एंड शाउट एंड शाउट, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने वहां काम भी किया, अभी हम भी आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत एक नॉर्मल पिच पे बात कर रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे हम कि इससे एक जो पोर्ट्रेयल है वो थोड़ा सा वो भी बदलेगा और एक अच्छी लाइट में इस कैरेक्टर को देखा जाएगा, और सबसे अच्छी बात कि हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू अमित, मुझे लगता है कि विसल ब्लोअर ये सारी अपेक्षाएं पूरी कर पाएगा। मैं चाहती हूँ कि लोग इसे देखें और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस रिएक्ट करे, तुम भी देखो और बताओ कि शो तुम्हें बिल्कुल कैसे। बिल्कुल, मैं देख के इसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम फिर से आपसे बात करेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच। ABP News आपको रखे आगे।